एटा जनपद में भी कुल 120 शिक्षकों पर कार्रवाई तय हुई है। आपको बता दें कि 2005 में हुई सहायक अध्यापकों की भर्ती में ये सभी शिक्षक भर्ती हुए थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 120 शिक्षकों में से 87 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर मुहर लग गई है और बाकी के बचे 33 शिक्षकों की टेम्पर्ड मार्कशीट के मामले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा को 3 मामले जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जब इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 87 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, बाकी 33 शिक्षकों की टेम्पर्ड मार्कशीट की जांच आगरा विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है। हाँ, 20 साल समझ लो, पूरी 20 साल हो गई। आज 20 साल बाद जेल से बाहर निकले, कैसा लग रहा है? अब भाई साहब ऐसा लग रहा है कि दुनिया बदली बदली सी लग रही है और हम सबसे बेकार हो रहे हैं। अपने आप में परिस्थिति हालात से टूटे हुए हैं। अब हमें क्या अच्छा लग रहा है? बस हम तो सरकार से एक ही चीज़ से मतलब रिक्वेस्ट है हमारी, तो हाथ जोड़ के मतलब वही है जो कुछ करेंगे हमारे लिए। तो हमें तो 20 साल के बाद हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, भाई माँ बाप सब अटैक से मर गए। घाटमपुर को